नमस्ते दोस्तों, क्रिप्टो दोस्त के इस नए एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज सुबह सुबह जो है क्रिप्टो करेंसी कम्युनिटी में काफी हलचल मच गई थी, क्योंकि एक नया इकोनॉमिक टाइम्स में रिपोर्ट आया है कि इंडिया जो है प्लान कर रहा है एक परमानेंट क्रिप्टो बैन। जी हाँ दोस्तों, ये वापस एक बार खबर सामने आई है कि इंडिया जो है परमानेंटली जो है क्रिप्टो करेंसी को बैन करने के बारे में सोच रहा है। जाहिर सी बात है, इसको पढ़ के बहुत सारे लोगों में जो है बहुत सारी चिंता हो गई है। बहुत सारे मैसेजेस देखे मैंने ट्विटर पर और बहुत सारे हमारे जो पर्सनल ग्रुप्स हैं वहां पर भी बातें चल रही हैं इसको लेके। तो इस खबर में कितनी सच्चाई है या क्या हुआ है, एग्जैक्टली क्या हुआ है आगे, तो ये मैं आपको बताता हूं। तो ये रिपोर्ट पहले आपके सामने है दोस्तों, यहां पर आप देखिए इकोनॉमिक टाइम्स का रिपोर्ट है और उसमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया इज लुकिंग टू इंट्रोड्यूस अ लॉ टू बैन क्रिप्टो करेंसीज एज द गवर्नमेंट सीज अ लीगल फ्रेमवर्क एज बीइंग मोर इफेक्टिव देन अ सर्कुलर फ्रॉम द आरबीआई। जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट ये चाह रहा है कि क्रिप्टो करेंसी को वो बैन करे। आपको पता ही है सुभाष चंद्र गर्ग कमेटी ने भी ये रिकमेंडेशन दिया था और उसी रिकमेंडेशन के बिना पर जो है गवर्नमेंट ये बात बोल रही है कि वो जो है एक लीगल फ्रेमवर्क लेके आना चाहती है जिसके जरिए जो है क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह बैन किया जाए। आरबीआई के जो सर्कुलर के बावजूद जो है आपको पता ही है इंडिया में क्रिप्टो करेंसी कम्युनिटी जो है उन्होंने जो है क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन को आगे बढ़ाए रखा और साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कुछ 2-3 महीने पहले, उसकी वजह से भी जो है इंडिया में एक नई क्रिप्टो करेंसी में इंडस्ट्री में एक नई ऊर्जा आ गई है। बहुत सारे नए एक्सचेंजेस भी खुले हैं, लेकिन अब जो है गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि वो जो है क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह बैन कर दे। तो मैं कहीं ना कहीं मैं सरप्राइज नहीं हूं दोस्तों। भले ये न्यूज आती है तो ऐसा लगता है कि अरे यार क्या हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं सरप्राइज नहीं हूं। गवर्नमेंट पहले ही इस बारे में बात कर चुकी है और अब जो है उन्होंने एक कैबिनेट नोट इंट्रोड्यूस किया है और इसका यह मतलब है कि वो जो है दूसरे मिनिस्ट्रीज के साथ जो है कंसल्ट करना चाह रहे हैं कि क्या होगा, क्या वो क्रिप्टो करेंसी को बैन करना चाहिए या नहीं। कैबिनेट नोट का यह मतलब है दोस्तों कि ये गवर्नमेंट ने इस बात को डेफिनेटली डिसाइड कर लिया एटलीस्ट एक लेवल पर कि वो जो है क्रिप्टो करेंसी को बैन करने के फेवर में है, लेकिन अब जो है वो इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन करने वाले हैं, दूसरे मिनिस्ट्री से बात करने वाले हैं कि ऐसा करना चाहिए या नहीं। अब आप देखिए यहां पर स्पर फॉर द ड्राफ्ट कैबिनेट वॉज टू मार्च फॉर डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू क्वॉश द April 28 सर्कुलर। तो ये जो कैबिनेट नोट आया था, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है जिसमें जो क्रिप्टो करेंसी के बैंकिंग बैन को लिफ्ट किया गया, तो उसके बाद जो है ये कैबिनेट नोट जो है इंट्रोड्यूस किया गया और अब ये जो है कंसल्टेशन के लिए आगे भेजा जाएगा और उसके बाद जो है परमानेंट पार्लियामेंट को भी आगे भेजा जाएगा। अगर ये आगे बढ़ता है दोस्तों और अर्लियर प्रपोजल के दम पर अगर बाकी मिनिस्ट्रीज भी बोलते हैं कि ये समय बैन करना चाहिए, तो फिर जो है शायद जो है ये पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो सकता है ये ड्राफ्ट बिल और क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह इंडिया में बैन किया जा सकता है। तो आपको पता ही है दोस्तों, पहले ही एक ड्राफ्ट कमेटी ने ये रेकमेंड किया था कि अगर क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह बैन करते हैं तो उन्हें जो है इसे लागू करने के लिए जो है बड़े बड़े फाइन्स रखने चाहिए। 25 करोड़ तक के फाइन की बात हुई थी, 10 साल तक की जेल की सजा हुई थी, उस पर काफी सारे जो है मीम्स वगैरह भी बने थे ट्विटर पर, आपको याद होगा लास्ट ईयर। तो ये बात तो चल रही है दोस्तों। अगेन मैं ये नहीं बोलूंगा कि कुछ नया हुआ है दोस्तों, बस ये बात आगे बढ़ रही है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है सीरियस है क्रिप्टो करेंसी को बैन करने के बारे में और अब जो है वो इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशंस करने वाली है। इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि क्रिप्टो करेंसी कम्युनिटी को अब जो है बोलने की फिर एक बार जरूरत पड़ेगी। आपने जो है ऑलरेडी आरबीआई सर्कुलर को आपने जो बातें की है ट्विटर पर, आपने जो सपोर्ट किया है इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को जो है बनाए रखने को, इस रेवोल्यूशन को, उसी तरीके से जो है आपको गवर्नमेंट तक अगेन ये बात पहुंचानी पड़ेगी। अच्छी बात यह कि गवर्नमेंट में भी कुछ मिनिस्टर्स ऐसे हैं जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात कर चुके, सुब्रमण्यम स्वामी जी बात कर चुके हैं और भी बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं जो एक ओपन एक अप्रोच रखना चाह रहे हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ऑन अ होल जो है मुझे लगता है शायद उनको ये लग रहा होगा कि शायद क्रिप्टो करेंसी को इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उस वजह से जो उनका जो ये है कि जो सुभाष चंद्र गर्ग कमेटी ने जो ऑलरेडी रिकमेंडेशंस दिए हैं, मैं पहले भी बात कर चुका हूं उन रिकमेंडेशंस के बारे में दोस्तों, बहुत सारे उसमें गैप्स थे, बहुत सारे लूपहोल्स थे, पूरी तरह जो वर्ल्ड ओवर जो 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 रेगुलेशन चल रहा है, जो क्रिप्टो करेंसी के स्पेस में काम हो रहा है, उसको पूरी तरह अकाउंट नहीं किया गया है उस रिपोर्ट में। तो अब जो काफी पुरानी भी हो गई है बात दोस्तों, ये जो क्रिप्टो जो रिपोर्ट आया था सुभाष चंद्र गर्ग कमेटी का, पिछले 1-1.5 साल में काफी चेंजेस भी आए हैं मार्केट में, बहुत सारे गवर्नमेंट्स ने जो है नए नए लॉज लाए हैं, इंडस्ट्री जो है और मच्योर हो रही है, तो ऐसे मोड पर मुझे नहीं लगता बैन करना चाहिए। और अभी खासकर कि इस टाइम पर दोस्तों जब एक COVID-19 की वजह से जो एक इकोनॉमिक क्राइसिस सा बन गया है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, तो अगर कहीं ना कहीं अगर क्रिप्टो करेंसी जो है वो अगर एंटरप्रेन्योर्स को जो है इंडिया में प्रमोट कर रहा है एंटरप्रेन्योरशिप को, बहुत सारे लोग उस स्पेस में काम कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं ऑलरेडी, तो ऐसे में बैन करना मुझे नहीं लगता एक सही डिसीजन है। इसके बारे में कॉइन क्रंच इन ने भी एक अच्छा आर्टिकल लिखा था जहां पर उन्होंने थोड़ा बहुत जो है एनालाइज किया है, वहां पर जो है उन्होंने तन्वी रत्ना नाम के एक पॉलिसी एक्सपर्ट है उनसे उन्होंने बात की थी। उन्होंने ये सन्वी रत्ना जी ने ये बताया उन्होंने कि एक ये जो है एक गवर्नमेंट फाइल है जिसमें जो दूसरे मिनिस्ट्रीज उनको डिस्कशन के लिए जो इनवाइट किया जाएगा, गवर्नमेंट सिंपली वो प्रोसेस फॉलो कर रहा है जो ड्राफ्ट बिल आया था लास्ट ईयर, उसके बाद क्या होना चाहिए था उस प्रोसेस को अभी जो है फॉलो किया जा रहा है। ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया था मार्च में उसके बाद ये हो जाना चाहिए था, लेकिन अब जो है गवर्नमेंट धीरे धीरे जो है इस प्रोसेस को आगे बढ़ा रहा है। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, आप मुझसे ये पूछेंगे कि क्या क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जा सकता है, यस डेफिनेटली अगर बिल पास होता
होता है पार्लियामेंट में, तो डेफिनेटली अगर एक लॉ बनता है तो क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जा सकता है। लेकिन वहीं इतने भी अगर ये बात भी सही है तो ये भी बात सही है कि इस बिल को फिर से जो है लोगों के कंसल्टेशन के बाद जो है उसे अपडेट किया जा सकता है, उसे पार्लियामेंट में रिजेक्ट भी किया जा सकता है दोस्तों। तो ये थोड़ा सा आज का जो न्यूज़ है दोस्तों, भले ही हमें सुनने में काफी बड़ा लगे, लेकिन ये छोटा सा एक बस ये न्यूज़ है कि गवर्नमेंट जो है आगे बढ़ रही है उस प्लान के साथ, और अब जो लीगल जो पॉसिबल स्टेप्स गवर्नमेंट को लेने चाहिए थे पहले ही ड्राफ्ट बिल के बाद, वो अब लिया जा रहा है। तो पहले ही बात चल रही थी कि शायद दिसंबर में गवर्नमेंट कर लेगी पिछले साल, लेकिन गवर्नमेंट रुकी रही, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया और अब जो है गवर्नमेंट इस बिल को लेकर आगे बढ़ रही है, कंसल्टेशन कर रही है। ऑब्वियसली ओपन चैनल्स हैं दोस्तों, मैं चाहता हूं कि इंडस्ट्री जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है वो गवर्नमेंट से बात करते रहे, हमें भी ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, और जो भी चैनल्स पॉसिबल है दोस्तों, यूट्यूब चैनल हो गया, कोई आर्टिकल्स हो गए, हमें बात करती रहने चाहिए, हमें बताना चाहिए गवर्नमेंट को कि क्यों जरूरी है। आपने देखा ये तेलंगाना गवर्नमेंट जो ड्रॉइंग कंसलर में हाईलाइट किया है इस आर्टिकल में कि तेलंगाना गवर्नमेंट भी एक ब्लॉकचेन डिस्ट्रिक्ट पर काम कर रहा है। तो अभी फिलहाल पैनिक करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मैं जानता हूं कि थोड़ा सा घबराहट जरूर होती है कि अगर हमारे जो क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट उनका होगा, लेकिन अभी घबराइए मत दोस्तों, अभी भी थोड़ा टाइम है, जो भी होगा आराम से होगा, इतने जल्दी कुछ होने वाला है नहीं। तो थोड़ा रुकिए, थोड़ा पेशेंट रहिए, फाइट जारी रखिए दोस्तों। इंडिया वॉन्ट्स क्रिप्टो और इंडिया क्रिप्टो लेके रहेगा दोस्तों। हमने पहले भी एक बार प्रूव कर चुके हैं हम आरबीआई के साथ, और हम मैं आशा करता हूं कि एक बार फिर जो है हम उतने ही एनर्जी के साथ, उतने ही एंथुसियाज्म के साथ जो इस फाइट को आगे लेके जाएंगे और इंडियन गवर्नमेंट को ये बताएंगे कि क्रिप्टो करेंसी जो है इंडिया को चाहिए, इंडिया के लिए अच्छी चीज़ है, और इंडियन गवर्नमेंट को जो है हमारी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि फाइनली वो जो है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स है दोस्तों। हम जो चाहते हैं वो गवर्नमेंट को करना चाहिए, वो किसी भी गवर्नमेंट का काम होता है। और इसी पॉजिटिव नोट पर जो मैं इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा, आपके ओपिनियंस में हमेशा सुनने के लिए उत्सुक रहता हूं दोस्तों। प्लीज मुझे बताइए कि आपको क्या लग रहा है इस न्यूज के बारे में, कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो के नीचे, और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को जो दोस्तों। जब हम सब्सक्राइब करते हैं तो मैं मोटिवेटेड रहता हूं कि ऐसे वीडियोस जो है मैं आपके लिए बनाते रहूं। साथ साथ ही जो आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, ट्विटर पर मेरा जो हैंडल है वो है द क्रिप्टो दोस्त, और फेसबुक पर भी मेरा एक पेज है उसका भी हैंडल है द क्रिप्टो दोस्त। तो प्लीज हमसे आगे जुड़िएगा, ट्विटर पर, फेसबुक पर आप हमसे डायरेक्टली आके बात कर सकते हैं, ट्विटर पर मैं काफी एक्टिव रहता हूं। सेफ रहिए दोस्तों, और ये जो फाइट है क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में लाने की उसे जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच।